देखिए बच्चों, ये हैं हमारे नेशनल फादर, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर जिले में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। बच्चों, बचपन में गांधी जी को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उन्हें पकड़ लेगा। एक रात उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, लेकिन डर के मारे वह हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। ये सब कुछ उनकी दाई रंभा दरवाजे के पास खड़ी होकर देख रही थी। तभी दाई ने उनके पास आकर पूछा, क्या हुआ मोहन? मोहन बोले, दाई मुझे अंधेरे में डर लग रहा है कि मुझे भूत पकड़कर ले जाएगा। तब रंभा दाई ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा राम जी का नाम लो, राम जी तुम्हें शक्ति देंगे और तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। मोहन बोले, सच दाई, क्या सचमुच में राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तब दाई ने कहा, हाँ बेटा, हमेशा राम नाम का जाप करने से हमारा डर दूर होता है। मोहन राम राम बोलते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर चल दिए और उस दिन से मोहन कभी नहीं घबराए, क्योंकि राम जी का नाम लेने से उनका डर हमेशा दूर हो जाता था। जब गांधी जी की मृत्यु हुई, तब अंतिम बार भी उन्होंने हे राम ही कहा था बच्चों, और जिंदगी भर उन्होंने राम नाम का जाप कभी नहीं छोड़ा। बच्चों, जैसे आप टीवी में कार्टून देखते हैं और कार्टून देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह से गांधी जी बचपन में एक बार एक नाटक देखने गए। नाटक का नाम था राजा हरीश्चंद्र। उस नाटक में राजा हरीश्चंद्र के जीवन की कहानी थी। बच्चों, राजा हरीश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जो हमेशा सच बोलते थे। वो नाटक हमारे महात्मा गांधी जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कसम खा ली, मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। देखिए बच्चों, गांधी जी कितना सादा जीवन बिताते थे। वो सिर्फ एक सूती धोती पहनते थे। उनके जीवन में उन्होंने यही सबको कहा था कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करो, मतलब कि सादा जीवन, उच्च विचार, हमें कभी भी बेकार के शो ऑफ में या बेकार के दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। और आप जानते हैं बच्चों, इस सूती कपड़े की धोती को बनाने के लिए वो खुद ही चरखा कातते थे। ये देखो, ये चरखा होता है जिसको जिसके ऊपर सूत काता जाता है और फिर कपड़ा बुना जाता है। तो देखिए बच्चों, हमें गांधी जी की तरह उन्होंने हमें जो भी जीवन में अच्छी अच्छी बातें सिखाई, उनका पालन करना है। ये गांधी जी के तीन बंदर तो आपने ज़रूर देखे होंगे। पहले बंदर ने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है जो कह रहा है बुरा ना देखो। दूसरे बंदर ने अपनी कानों पर हाथ रखा हुआ है जो कह रहा है बुरा ना सुनो। और तीसरे बंदर ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है जो कह रहा है बुरा मत बोलो। ये हैं गांधी जी के तीन बंदर जो हमें शिक्षा देते हैं, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और बुरा ना बोलो। बच्चों, बहुत साल पहले हमारे देश में अंग्रेज लोग शासन करते थे, जो हम भारतीयों पर बहुत जुल्म करते थे। और हमारे गांधी जी ने अंग्रेज़ों से भारत देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब जैसे कोई अगर आपसे कोई आपकी चीज़ छीन ले तो आप क्या करते हो? आप लड़ाई झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो, है ना, और उन्हें कहते हो मेरी चीज़ वापस कर दो। लेकिन बच्चों, गांधी जी देखो कितने दुबले पतले से थे, फिर भी उन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाई। अंग्रेज़ों के पास इतनी शक्ति थी, तब भी उन्होंने अंग्रेज़ों को बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी हिंसा के और सच के रास्ते पर चल के अंग्रेज़ों को भारत देश से भगा दिया। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको गांधी जी की ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। और अब मैंने आपको गांधी जी के बारे में जो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालेंगे और उसमें गांधी जी की ये इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स को हम नोट डाउन करेंगे। गांधी जी के बारे में जो हमने इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं, उसे हम सब कुछ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कॉर्नर में आप मार्जिन लाइन के पास अपनी डेट मेंशन करेंगे आज की, दैट इज़ 2/10/2020, और फिर आप हेडिंग लिखेंगे
महात्मा गांधी। जैसे जैसे आपको स्क्रीन पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मेरे साथ साथ सभी बच्चे अपनी नोटबुक में, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर वन इज महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, यानी महात्मा गांधी एक महान नेता थे। नंबर टू इज ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी वो 2 अक्टूबर 1869 के दिन बॉर्न यानी पैदा हुए थे। नंबर थ्री इज ही इज द फादर ऑफ आर नेशन, यानी वो हमारे राष्ट्र पिता हैं। नंबर फोर इज ही लव्ड ट्रुथ एंड अहिंसा, यानी उन्हें हमेशा सच और अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना बहुत पसंद था या बहुत अच्छा लगता था। वी कॉल हिम बापू, हम उन महात्मा गांधी जी को प्यार से क्या कहते हैं, बापू। तो बच्चों आप सभी को ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और मुझे दिखाना है, साथ ही में आपको गांधी जी की एक पिक्चर अपनी नोटबुक में पेस्ट भी करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।